हेलो एवरीवन, मैं हूँ तराना। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये तेकू की स्टोरी है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। आर्मी जंगकुक, जिमिन, तेयोंग बहुत देर से वेट कर रहा है, लेकिन किसके लिए वेट कर रहा है? ते तो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है और जंगकुक को हमेशा कहते रहते हैं, अब तक वो क्यों नहीं आया, अब तक वो क्यों नहीं आया। जंगकुक जंगकुक तेयोंग को दिलासा दे रहा था और कह रहा था कि तू थोड़ा बैठ जा, वो आ जाएगा, इतना भी क्या जल्दी है। तेयोंग तो कहता है जंगकुक से, ये देख जेके, मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है, क्या वो ठीक तो होगा ना? जिमिन कहता है, ते तो खामाखाई बेचैन हो रहा है, वो उसने कहा ना वो आ जाएगा, अभी तो सिर्फ 2 ही बजे है, वो तो तुझे कहा ना कि 3 बजे तक आ जाएगा, तो तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? तेयोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुझे पता नहीं? जंगकुक कहता है, अगर तुझे इतना ही पता है तो तू क्यों उसके लिए इतना वेट कर रहा है, क्यों तू मैरिज हॉल के अंदर नहीं जा रहा है? तेयोंग कहता है, क्या तुझे पता नहीं मैं अकेला मैरिज हॉल के अंदर जाकर क्या करूँगा अगर वो नहीं आए तो? शादी तो उससे ही करना है ना, तो मैरिज हॉल के अंदर अकेला जाकर मैं क्या करूँगा? जंगकुक कहता है, ठीक है बाबा, तू गुस्सा मत हो, वो आ जाएगा। 2 से 2:30 बज गए, 2:30 से 3 बज गए, लेकिन वो अब तक नहीं आए। तेयोंग बहुत बेचैन हो रहा था और बार बार उसे कॉल ही किए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। जंगकुक कहता है, ठीक है, तू इतना परेशान मत हो, मैं थोड़ा न्यूज़ लेके आती हूँ। तेयोंग कहीं जंगकुक कहीं चला जाता है और तेयोंग ही मैरिज हॉल के बाहर बैठकर रो रहा था। जिमिन उसे बहुत क्लोज से देख रहा था और कहता है, मैंने तुझे बहुत पहले से मना किया था लेकिन तूने सुना नहीं। तेयोंग कहता है, आप तो भी मत शुरू हो जाना। जिमिन कहता है, क्यों नहीं शुरू हो जाओ? 3 साल से तो उसके पीछे पड़ा है और वो किसी और लड़कियों के पीछे। तेयोंग कहता है, तू ऐसे मत बोल, वो मुझे प्यार करता है और उसने कहा कि वो आज मुझसे शादी करेगा। जिमिन कहता है, कौन काई, और वो तुझे शादी करेगा और वो ये भी तू मान ही लिया, क्या तू पागल हो चुके है? तेयोंग, तुझे नहीं पता क्या वो बहुत बड़ा प्लेबॉय है? लेकिन अब देखा तूने क्या किया उसने? तेयोंग जोर जोर से रो रहा था। कुछ देर बाद ही जंगकुक दौड़ के आते हुए तेयोंग के सामने खड़ा हो जाता है और तेयोंग उठकर जंगकुक से कहता है, क्या हुआ काई, अब तक क्यों नहीं आई, क्या तेरे पास कोई न्यूज़ है? जंगकुक कहता है, काई नहीं आएगा। तेयोंग कहता है, क्या, लेकिन क्यों, उसने तो मुझे कहा था कि वो आज आएगा। जंगकुक कहता है, उसने मुझे अभी अभी फ़ोन करके कहा है कि वो नहीं आएगा, वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुझसे शादी नहीं करेगा। तेयोंग कहता है, लेकिन उसने तो कहा था कि उसकी फैमिली मेरे बारे में सब जानते हैं और मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो उसकी फैमिली को मनाएंगे, लेकिन वो अभी कैसे कर सकता है मेरे साथ? हमारा 3 साल का रिलेशन है और अब वो ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता। तेयोंग रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है। जिमिन और जंगकुक उसे संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन रो ही जा रहा था। जंगकुक उसे कह रहा था कि तू मत रो, ऐसा मत कर, हम फिर से सब कुछ शुरू करेंगे, हम तीनों पहले भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, अब भी हैं, सिर्फ एक काय के लिए तू इतना रो रही है? तेयोंग चिल्लाते हुए कहता है, तुझे क्या पता, जब जिसे प्यार करता है उसे तुझे धोखा दे, तुझे शादी करके कहकर शादी ना करे तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे कुछ भी नहीं पता जंगकुक, तू जा यहाँ से।
जंको गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुझे शादी करना है तो मुझसे कर ले, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जीवन कहता है, हाँ, तू उसे शादी कर ले, वैसे भी जांकुक तुझे प्यार ही करता है। तेयंग जिमिन की तरफ देखता है। जांकुक जिमिन को मुंह पकड़ते हुए वहां से दूर ले जाकर कहता है, क्या कर रहे है तू जिमिन, तू क्यों उसे ये सब बता रहे है। जिमिन अपने मुंह से जांकुक के हाथ को निकलते हुए कहता है, तू आप कितने दिन तक ये छुपा के रखेगा जांकुक, 5 साल से हम एक ही कॉलेज में है, 3 साल से हम बेस्ट फ्रेंड है, और जब से तू देखा है तेयंग को तब से तू उसे प्यार करता है, और अब अगर एक मौका है तो तू इस मौके को क्यों गंवाना चाहता है, प्लीज उसे शादी कर ले। जांकुक तेयंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करेगा, वो तो तेयंग से प्यार करता है ना। जिमिन कहता है, प्यार तो हो ही जाता है, और काई उसे कभी भी प्यार नहीं करता था, सिर्फ तेयोंग ही उसे प्यार करता था, जैसे तू तेयोंग से प्यार करता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, जब तेयोंग तेरे प्यार को देखेगा समझेगा तब तेयोंग भी तुझे प्यार करने लगेगे। जाकू कहते हैं, नहीं जिमिन, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं उसे शादी के लिए पूछूं तो हमारा फ्रेंडशिप भी टूट जाएगा। जिमिन कहता है, तू बस चुप रहे, मैं जैसे कहता हूँ तू वैसे कर, अगर वो शादी के लिए राजी हो जाता है तो तू चुपचाप शादी कर लेना, नहीं तो मैं तुझे मार मार के भरता बना दूंगा। जांको कहता है, ठीक है, तू भी अब गुस्सा मत कर। इस तरह तेयंग रो रो के बुरा हाल बना रहा है और तू मुझ पर ही गुस्सा दिखा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। जिमिन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, तेयंग के पास, तेयंग की बाहों में, उसकी बिस्तर पर। जांकुक जिमिन को एक मुक्का मारने जाते हैं, लेकिन जिमिन थोड़ा पीछे हटकर कहता है, सॉरी सॉरी, इसी टाइम पे ऐसे मजाक करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तू भी इमोशनल हो रहा था तो मैं सिचुएशन को हल्का करने के लिए कह रहा हूँ। जाकू कहता है, ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर, मैरिज हॉल जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो फिर जांकुक और जिमिन तेयोंग के पास आ जाता है। तेयोंग अब थोड़ा शांत हो गया था, अब तक तो वो जोर जोर से चिल्ला कर रो रहा था, लेकिन अब साइलेंटली रो रहा था। जिमिन तेयोंग के पास आकर खड़े होकर कहता है, देख तेयोंग, मैं बहुत मुश्किल से जांकुक को पटाया है, अगर तूने आप शादी करने के लिए मना कर दिया है तो काई तो हाथ चला ही गया, जांकुक भी तेरे हाथ से चला जाएगा। तेयोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तू ये क्या कह रहे हैं जिमिन, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तब जिमिन कहता है, तो बेस्ट फ्रेंड कब काम आएगा, बेस्ट फ्रेंड की जब जरूरत पड़ेगा तभी तो बेस्ट फ्रेंड काम आएगा ना, क्योंकि जांकुक तुझे घर पे ले जाना चाहता है, और अगर कोई विलिंगली तुझे चाहता है, तुझे प्यार करता है, तुझे अपना बनाना चाहता है तो तू क्यों पीछे हट रहा है। तेयोंग कहता है, लेकिन उसने तो कभी मुझे ये बताया नहीं। जिमिन कहता है, कैसे बताता, क्या तूने उसे कभी बताने के मौका दिया, तू तो हमेशा ही काई के पीछे पड़ा रहता था। जिमिन कहता है, देख तेयोंग, सबको पता चल चुका होगा अब तक कि काई के पीछे तू इतना पागल है कि उससे शादी करने के लिए तू यहाँ तक आ गया, और काई को तो तुझे पता ही है उसका क्या है, वो हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहता है, और कल जब हम लोग कॉलेज में जाएंगे तब तो वो ये बात आग की तरह सारी जगह फैल चुके होंगे। अब तू देख ले तू क्या करना चाहते हैं, दूसरों के सामने मजाक बनकर घूमना चाहते हैं, या फिर जांकुक से शादी करके जांकुक के घर जाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं, ठीक है, मैं जांकुक से अगर शादी कर भी लूँ, क्या जांकुक की फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेगा।
हमेशा ही कहता है कि तू हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हम लोगों के बैकग्राउंड के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता है। जाकुक का कोई भी नहीं है, जाकुक सिर्फ अकेला है इस दुनिया में। जाकुक इस कॉलेज में आने से पहले ही उसकी मामी पापा की डेथ हो चुकी है, उसका कोई भाई बहन ही भी नहीं है। वो हमेशा ही अकेला था और आज भी अकेला ही है। अगर तू उससे शादी कर लेता है तो कम से कम उसके पास तो रह पाएगी और वो भी तेरे पास रहकर थोड़ा रिलीफ महसूस कर लेगा। तेरा बहुत देर तक सोचता है, सोचने के बाद कहता है ठीक है मैं जामकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे एक शर्त है। जिमिन कहता है बोल तेरा क्या शर्त है। तेउंग कहता है जब मुझे लगेगा कि मैं और जांगकुक के पास नहीं रह सकता तब मैं चला जाऊंगा, और इसे लेकर जांगकुक मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो, मेरे पास रह जाओ ये वो वगैरह वगैरह। जिमिन कहता है ठीक है तेरा शर्त मंजूर है। तेउंग कहते हैं तू उसे बिना पूछे ये मुझे कैसे बता सकता है कि उसके शर्त उसे ये शर्त मंजूर है। जिमिन बहुत ही सॉफ्ट स्माइल देकर तेउंग की सिर को पैट करते हुए कहता है क्योंकि मुझे पता है वो तुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देगा। वो तुझे इतना प्यार करेगा कि तू कभी भी उससे दो कदम भी दूर रह नहीं सकते। तेयंग जिमिन की तरफ देखते ही रहता है। जिमिन कहता है तू मुझसे विश्वास कर, तू बिलीव कर या ना कर, मैं तुझे ये विश्वास दिलाता हूँ कि जाकुब तुझे बहुत प्यार करेगा और तुझे अच्छे से रखेगा, तू प्लीज़ उसे शादी कर ले। फिर जांगकुक और तेयोंग की सहमति से दोनों की शादी हो जाता है। और तेयोंग थोड़ा गुस्सा था जांगकुक से कि जांगकुक उसे पहले से ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। शादी ख़त्म होने के बाद तीनों ही जांगकुक के घर पे आ जाता है, और जांगकुक के घर बहुत छोटा सा एक अपार्टमेंट था, दो बेडरूम का एक अपार्टमेंट, एक किचन एक डाइनिंग था। तेयोंग घर के अंदर आने के बाद ही जांगकुक से कहता है मेरा रूम कौन सा है। जांगकुक कहता है आ जा इधर आ जा। जांगकुक दूसरा रूम दिखा देता है, जांगकुक के बगल में ही जो दूसरा रूम है वो दिखा देता है और कहता है ये रूम तू रख ले। अच्छा ठीक है ये कहकर तेउंग अंदर चला जाता है, और जिमिन और जांगकुक डाइनिंग में बैठकर थोड़ा बात करता है। जांगकुक कहता है देखा मैंने तुझे कहा था ना ऐसा मत कर, तो तेरी बातों में आकर मैंने उसका फ्रेंडशिप भी खो दिया। जिमिन कहता है तू खमक है इतना परेशान हो रहा है, सिर्फ तो 2-3 घंटा ही हुआ है तेरे शादी हुए है, अब तो ज़िंदगी पड़ा हुआ है और तू आपसे ही हाल छोड़ दिया है। जांगकुक कहता है क्या मैं इस 5 सालों में कभी हाल छोड़ा है, तो अब छोड़ दूंगा। जिमिन कहता है तो फिर इतना मत सोच सब ठीक हो जाएगा, वो तुझे धीरे धीरे प्यार करने लगेगी। अगर वो काय जैसा इतना निकम्मा नालायक और प्ले बॉय से प्यार कर सकता है तो तुझसे क्यों नहीं प्यार करेगा। जाकुक थोड़ा खुश हो जाता है। जिमिन कहता है ठीक है ऐसे ही हमेशा उसके सामने हंसते रहना, हमेशा ही अफेक्शन दिखाते रहना, नाराज मत होना ठीक है। वो अब थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है तो तुझे ही उसे संभालना है। और हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे डिश बना के खिलाना उसे, तुझे तो पता है उसे खाना खाना कितना अच्छा लगता है। जाकू कहता है ठीक है तू चिंता मत कर। जिमिन कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, कल मैं वेट करूँगा। जाकू कहता है किसके लिए। जिमिन कहता है क्यों फर्स्ट नाइट में क्या क्या हुआ, क्या वो तू मुझे नहीं बताएगा। जांगकुक जिमिन को मारने के लिए जाता है। जिमिन कहता है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम लोगों को और मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, यह कहकर जिमिन घर से निकल जाता है। मेरा एक सब्सक्राइबर है वो मेरा वीडियो बहुत पसंद करता है और हमेशा कहते रहते हैं कि दी आप क्यों
वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, दी आप क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो? लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं करता क्योंकि कोई देखता भी नहीं है मेरे वीडियो, इसलिए। लेकिन वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहता है कि दी प्लीज़ आप वीडियो अपलोड कर दो, तो इसलिए मैं थोड़ा मोटिवेटेड हो जाती हूँ, इसलिए मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए, और मैं मेरे उस सब्सक्राइबर को थैंक यू कहना चाहूँगी मुझे हमेशा मोटिवेटेड करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये स्टोरी मैं आज ही ख़त्म करना चाहती थी लेकिन थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर दूँगा। प्लीज़ मेरे साथ ही रहना। थैंक यू, बाय।